दोस्तों दुनिया भर में सांपों की लगभग 2500 से 3000 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से लगभग 80 से 85% सांपों में जहर बिल्कुल नहीं होता। फिर भी यह बड़े बड़े जानवर को अपना शिकार बना लेते हैं। बिना जहर वाले सांपों की लंबाई की बात की जाए तो टाइटेनोबुआ और एरोकोंडा जैसे पूरे दुनिया के सबसे लंबे सांपों के तौर पर जाने जाते हैं। सांपों की कुल प्रजातियों में जहरीले सांपों के प्रजातियों की संख्या काफी कम होती है, लेकिन उनकी कम संख्या होने के बावजूद भी हम इंसानों के उनसे काफी खतरा रहता है। दुनिया भर में हर साल लगभग लाखों लोगों की मौत सांपों के काटे जाने के कारण होती है। आमतौर पर जहरीले सांपों की लंबाई उतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे भी जहरीले सांप मौजूद है जिनकी लंबाई को देखकर हम इंसानों के पसीने छूट जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे लंबे जहरीले सांप के बारे में बतलाने जा रहे हैं, जिसे जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों हम बात कर रहे हैं किंग कोबरा की, जैसे आप नागराज के नाम से भी जानते होंगे। यह सांप भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, मलेशिया समेत एशिया के कई सारे देशों में पाया जाता है। इस सांप के नाम में भले ही कोबरा शब्द आता हो, लेकिन इसे कोबरा प्रजाति का नहीं माना जाता। वास्तव में किंग कोबरा भोजन नली प्रजाति का सांप है। बात करें इनके खान पान की, तो जहां एक तरफ आम कोबरा, सांप, मेढक, चूहे, पक्षी और मछलियां खाना पसंद करते हैं, वहीं दूसरी तरफ किंग कोबरा अधिकांश दूसरे सांप को ही अपना भोजन बनाना पसंद करते हैं। भले ही वह सांप जहरीला हो या नहीं, किंग कोबरा इतना जहरीला होता है कि इनके काटे जाने से इंसान से लेकर किसी हाथी तक की मौत हो सकती है। किंग कोबरा जब भी किसी इंसान या जानवर को काटता है, तब उसका जहर शिकार से नर्वस सिस्टम पर असर करने लगता है, जिसमें कि उनके आंखों के सामने अंधेरे छाने लगता है और उनके शरीर को लकवा मार जाता है। यदि सही समय पर उपचार न मिला तो इसके काटे जाने के कुछ ही समय बाद किसी भी इंसान की मौत हो सकती है। एक वास्तव किंग कोबरा की लंबाई 12 से 13 फीट तक होती है, जो इसे दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप मानते हैं। 20वीं सदी के मध्य में ब्रिटेन के लंदन जू के में एक किंग कोबरा था, जिसे मलेशिया से पकड़ा गया था। उनकी कुल लंबाई 18 फुट 9 इंच थी। कॉबरेट नेशनल पार्क के जंगलों में एक मरे हुए किंग कोबरा का शव मिला था, जिनकी लंबाई 24 फीट 9 इंच मापी गई थी, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए। और ऐसा माना जाता है कि यह अभी तक का दुनिया का सबसे लंबा किंग कोबरा है। जब भी किंग कोबरा को किसी जीव से खतरा महसूस होता है, तब यह अपना फन फैला लेते हैं और जमीन से लगभग 6 फीट ऊंचा खड़े हो जाते हैं, ताकि उससे डर कर वह जीव भाग जाए। अधिक खतरा महसूस होने पर यह जोर जोर से सांसें छोड़ने लगते हैं, जिससे एक अजीब सी डरावनी आवाज़ निकलती है, जिसे सुनकर किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किंग कोबरा की एक ऐसी खासियत भी है जो इसे अन्य सांपों से काफ़ी अलग मानता है। दरअसल किंग कोबरा एक मात्र ऐसा सांप है जो अपने लिए घोंसला बनाता है। मादा किंग कोबरा उन्हीं घोंसलों में अपने अंडे को देती है। मादा किंग कोबरा एक बार में 20 से 30 अंडे देती है। यह बिना कुछ खाए 2 से 3 महीने की उन अंडों को सेफ्टी भी रखती है। किंग कोबरा की आंखें काफ़ी तेज होती है। यह अपने शिकार की 91 फीट की दूरी से भी देख सकते हैं। यह सांप ऊंचे पेड़ों पर आसानी से चढ़ जाते हैं और यह सांपों की तरह पानी में भी तैर सकती है। किंग कोबरा औसत 20 साल तक जीवित रह सकते हैं। भारत के कई हिस्सों में लोग इसे सांप को भगवान शंकर के गले में रहने वाले सांप मानते हैं और इनकी पूजा भी करते हैं, और यही कारण है यह लोग इस सांप को कभी नहीं मारते हैं। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं।